गरीबों की आवाज सभी जमाने में उठा। इंशाल्लाह मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, इसको एक बार बताइए ना शिफी साहब। तो आपने कहा ना, तो आप तो फोड़ो ना, कभी फोड़ो ना। इसको बताइए, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही हिंदुस्तान। मैं सच्चाई के साथ बोलना चाहता हूँ, मैं सच्चाई सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ। अगर उन्होंने किया भाजपा ने 7-8 साल में किया कुछ, उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे, मुझे दिखाना कहा नया कश्मीर। आप देखो पहले हमारे रोडों की क्या हालत है। खास इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों सबको मेरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बहस करते ही है और हमारे प्रोग्राम में बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आते ही रहते हैं जिनसे आप इस्तिफादा करते हैं, जिनसे आप फैज़ हासिल करते हैं। आज भी हमने दो ख़ास मेहमान बुलाए हैं, इन्वाइट किए हैं। हमारे साथ बीजेपी से हैं मोहतरम जावेद कुरैशी साहब और कांग्रेस से हैं पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, और हमारे साथ सियासी तजिया निगार सैयद नारबली साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में दिल की गहराई से खैर मकदम है। सबसे पहले मैं जावेद कुरैशी साहब से पूछना चाहता हूँ, जावेद साहब कैसा है, आपने क्यों इंतखाब नहीं किया कोई लोकल पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप क्यों चले गए नेशनल पार्टी की तरफ, क्या वजह है इसकी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जो मुतबारक महीना अभी माह रमजान चल रहा है, आपको मुबारकबाद इसकी, हम सब मुसलमानों को, कि आज हमारे लिए वो दिन चल रहे हैं जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम दिन। जो आपने सवाल किया मुझसे कि हमने यहां अपनी जिंदगी में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी, चाहे और कोई इलाकाई पार्टी यहां पे वजूद में थी, इन्होंने हर वक्त इस आवाम का इस्तेमाल किया। खासकर इन्होंने वो एक दबदबा बनाकर रखा था यहां पे हर एक सिस्टम में, और एक खानदानी राज इन्होंने कायम किया। ये हर एक सियासी पार्टी के लीडर ने राज करना चाहा इस जम्मू कश्मीर, इस मजलूम कौम पर हर वक्त। तो मैंने सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करूं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है पूरे देश में, कि इस गरीब आवाम की आवाज की सुनवाई होती। वो जो खानदानी राज था मुझे पहले से भी पसंद नहीं था, अब भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नेशनल पार्टी चूज की। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से मुबारकबाद, आपने नेशनल पार्टी का इंतखाब किया। क्या मौकिफ है आपका कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, अब इस हवाले से आपका क्या मौकिफ है? देखो, हमने 30 सालों से यहाँ की आवाम ने जो लाशों का बाजार देखा, मैं समझता हूं मैंने 30 सालों से यहाँ हालात ही देखे ऐसे कि मंथ में कर्फ्यू रहता था, साल में तो 10 बार हम बाहर निकलते थे। ऐसे हालात यहाँ की सियासी पार्टियों ने, चाहे हुर्रियत के लीडर्स हो, इन्होंने इन 30 सालों में इस जम्मू कश्मीर को, जिसको बेनजीर कहा जाता था, इसको जहन्नम बनाया। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली, अगर आपने इन चीजों को नोटिस किया होगा, तब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने राहत ले ली। ये सच्चाई है, कोई माने या न माने, यहाँ सियासी लीडरों ने और हुर्रियत लीडरों ने वो दुकान चमकाए थे
और गोश्त की बिक्री हो रही है। अभी जो आने 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 वाला कल होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में हुकूमत चलाई, इस गरीब आवाम की आवाज को उबारा या छोटी सी छोटी चीजों को नोटिस किया, तो वैसा ही जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर होगा, और जहां अमन होगा, जहां तरक्की होगी, जहां माहौल साजगार होगा, हमारी तमन्ना है ये। क्योंकि जब पहले हमारा जब जिसमें हमने हमने 30 सालों में जिंदगी गुजारी है ब्लास्टों में, फायरिंग में, जो हमारे बच्चे हैं, हकीकतन में ये बच्चे तालीम याफ्ता हो और अच्छे पोस्टों पे काम करे, डॉक्टर हो, आईपीएस अफसर्स हो, न कि हमें उन चीजों से अभी बच्चों को वो गलत दिशा देनी है। मैं ये समझता हूं खासकर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने हकीकतन में इस जम्मू कश्मीर की आवाज को सुना है और समझा है यहाँ क्या चाहे, और ये जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर होगा। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई। हमारे साथ पीरजादा मोहम्मद शफी साहब कांग्रेस से हैं। पीरजादा साहब, आपका भी खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आपके बयान आप कंटिन्यूसली हम सुनते ही आ रहे हैं। जावेद साहब ने जो फरमाया, जो इनका नजरिया है, तो आपका आप मुत्तफिक हैं इनके ख्याल से या इख्तिलाफ रखते हैं? शुक्रिया, थैंक यू इरफान साहब। मैं सबसे पहले तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इरफान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक दिन की नया कश्मीर बनाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है आज तक नया कश्मीर कभी बन गया था। कहाँ था नया कश्मीर? आप देखो हमारे बच्चे 2 साल से तालीम से महरूम है। आज देखो हमारे जम्मू कश्मीर हमारे बच्चे कितना ड्रग्स कर रहे हैं। क्या वजह है? वजह तो यह है इनके पास रोजगार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटल इंडिया है, कौन सा डिजिटल इंडिया है? आज हमारे बच्चों को बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ो। जिस गरीब बच्चे के पास शाम को खाना नहीं है, वो कहां से 5,000-10,000 रुपया का मोबाइल लाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे? कहां से लाएगा 30,000 लैपटॉप तो वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे? आप देखो हमारे जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। ये तो नया जम्मू कश्मीर नहीं बन गया था। हमारा जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल से 30-40 साल पीछे हो गया। ये तो नया कश्मीर नहीं लग रहा है आज नया कश्मीर बन गया। मुझे अभी बाहर से फोन आ रहा है, वो भी कश्मीरी था, वो रो रहा है। खुदा की कसम आज इसी माह मुबारक की कसम में खा रहा हूँ, वो रो रहा है। उनके पास खाना नहीं है, क्या वजह है? क्या यह जम्मू कश्मीर, ये वो जम्मू कश्मीर नहीं रह गया? ये जो जम्मू कश्मीर था, बेनजीर हमारा जम्मू कश्मीर था, वो नहीं रह गया। वो हमारा जम्मू कश्मीर पीछे हो गया। हाँ। क्या वजह है? कौन सा गुनाह किया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने? आप देखो पलट किसने चलाई? भाजपा सरकार ने बच्चों को अंधा किया। किसने किया? भाजपा वालों ने किया। क्या वजह है? कौन सा गुनाह किया उसने? हाँ जी जी, पीरजादा साहब आपने जो फरमाया, चलिए आप अपने आपने अपना मौकिफ रखा, लेकिन मैं क्लियर करता रहूं, जो आप पैलेट्स की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई और हुकूमतें हुआ करती थी, कोई और सरकारें हुआ करती थी, भाजपा सरकार उस वक्त नहीं, इसी भाजपा सरकार की 7-8 साल भाजपा सरकार की नहीं। उसमें मैं क्लियर फैक्ट करता रहूं, बीजेपी सरकार उस वक्त नहीं थी। बीजेपी के दौरान एक ही टर्माइल हुआ, वो चला, उसमें तो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, इसमें एक्नॉलेज करने में कोई शर्म हमारे साथ हमें नहीं है। सैयद साहब हमारे स्टेडियम में, सैयद साहब जुड़े हैं, आप काफ़ी नज़र रखते हैं सियासी हालात पे, तो सैयद साहब आपको क्या लगता है कि
इस वक्त जो इन दोनों साहिबान का जो फरमाना है, आप अपना मौकिफ़ इरफान साहब, सबसे पहले हम तमाम अपने नाजरीन कराम को दिल के में गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करना चाहेंगे। जो हमारे आज के खास जावेद मेहमान हैं पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब साहब और जावेद कुरैशी बिल्कुल साहब, दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा। दोनों बड़े जज्बाती लीडर हैं। खैर, मौक़िफ़ इनका अलग 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 है है, वो तो मुबारक है, लेकिन दोनों बड़े जज्बाती हैं। अभी जावेद साहब ने जैसे फरमाया कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद जम्मू कश्मीर की जो हैसियत है वो बदल गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं फरमाया कि किन सूरतों में उन्हें नज़र आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की हैसियत बदल गई है। क्योंकि जहां हम अपनी बात करेंगे, हम लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, उनके तासुरात हमारे पास आते रहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर लोगों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब से बीजेपी आई, हर एक चीज़ की महंगाई जो है, कीमत जो है, वो चुगनी पांच गुनी हो गई। ये खुशनुमाई हमने देखी है। नंबर दो, इन्होंने भी फरमाया कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के बच्चे आईपीएस आईएएस बनें। ये भी, इसके साथ भी मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि कुरैशी साहब को शायद मालूम होगा कि कश्मीर का जो टैलेंट है वो कई दहाइयों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से अपने जोबन पर रहा है और आज भी है माशाल्लाह। बीजेपी हुकूमत आने के बाद मैं कुरैशी साहब से पूछना चाहूँगा और पीरज़ादा साहब से गुजारिश करूँगा, बड़े जज्बाती हैं वो, कि वो थोड़ा कंट्रोल रहें। कुरैशी साहब, आप ज़रा तफसीलन बताइए। मैं सही सबसे समय मैं इनके पास नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये हमारी कश्मीर की और हिंदुस्तान की यही खासियत है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कौम की यही खासियत है कि अगर इख्तिलाफ राय कितना भी हो तो हम एक ही स्क्रीन पे होते हैं और अदब के साथ अपनी राय रखते हैं। जावेद साहब या चाहे पीरज़ादा शफी साहब, दोनों अलग अलग मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक ही स्क्रीन पे इस वक्त आदाब व एहतराम से अपना मौक़िफ़ सामने रखे हुए, यही एक जमहूरियत की पहचान होती है। और मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि असल में जमहूरियत की मिसाल क्या होती है। जावेद साहब, जावेद साहब, जो जावेद साहब, हाँ मैंने मैंने हाँ हाँ जो सही जो सईद साहब ने फरमाया, जो मैंने निशानदेही इन्होंने की, मैं तो फिर आप मैं हाँ फिर मैं फिर दोहराऊंगा कुरैशी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं फिर एक बार आपसे दोहराऊंगा कि आप हमें ज़रा गिन के बताइए चंद एक चीज़ें जो बीजेपी की हुकूमत के वजूद में आने के बाद आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई दी है। पहले तो मैं पहले आपको उस सवाल का जवाब दूं जो आपने कहा कि महंगाई की मार। हम कुछ चीजें देखते हैं, अगर आप डीजल की बात करोगे या पेट्रोल की बात करोगे या गैस की बात करोगे, सचमुच ऐसे हालात रहे हैं। मगर अगर आपने देखा होगा पिछली बार जब कोरोना वायरस का महामारी रही, तो उस टाइम पे पूरे मुल्क भर में, कश्मीर की बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है, करोड़ों लोगों को फ्री राशन दिया। या अगर हमें मिट्टी का तेल मिलता था वो 50 रुपये लीटर मिलता था, अभी 25 रुपये लीटर। अगर हमें चावल 16 रुपये मिल रहा था, अभी 3 रुपये मिल रहा है। अगर कहीं पे महंगाई एक दो चीजों में हुई है या कहीं वैसे भी चीजें हैं जहां पे कमी हुई, ऐसा हर हुकूमत में हुआ है, मगर इस हुकूमत में मेरे ख्याल में जो गरीब आवाम की आवाज, जो पिछले कई दायियों से, अगर आप ये सोचोगे कि जम्मू कश्मीर में एक आईएवाई केस होता था, एमएलए एक कंस्टिट्यूंसी में हजारों लोगों को ये जहन में रखता था कि आपको भी आईएवाई मिल जाएगा, आपको भी आईएवाई मिल जाएगा, 6 साल बीत जाते मगर आई वाई नहीं मिलता। हकीकतन में ये मरकजी हुकूमत ने फिर अपने तहवील में ले लिया जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली, इसमें बढ़ोतरी भी हुई। और दूसरा इसमें ये हुआ कि गरीब आवाम के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है। दूसरा किसानों के बारे में, किसान लोग तो हम ज्यादा है पूरे मुल्क में,
किसानों के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था, आज उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। या अगर आप जो बैठे मैं मुझे बात करने तो मुझे बात करने तो आप इत्मीनान से कहिए, फिर जो आपको कहना होगा आप इत्मीनान से कहिए, मैं भी सुनूंगा। जो हमारे ओल्ड एज पेंशन जो मिल रहा है गरीबों में, या जो हमारे बेवा बहने हैं मावे हैं, उनको भी आज वो पैसा मिल रहा है या उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तीसरी बात, खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू की मैं बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर अवाम की बात करूंगा। 370 जब से खत्म हुआ, लोगों ने सांस ली किसे दहशतगर्दी से, उन चीजों से। हर वक्त हम परेशान होते थे, अगर ज्यादा तो हड़ताल है ये, ज्यादा तो पथराव रहते थे। देखो सियासी लीडर तो अपने दुकान चमकाएंगे, मगर वो माँ बाप जानता है जो पथराव में मारा जाता था या जो जेल होता था, गरीब लोगों के बच्चों को मरगुजारों का रास्ता दिखाया। जब से 370 खत्म हुआ, ये तो सबसे बड़ा फैसला मुझे लगा है हमारे वजीर आजम हिंद ने किया इस आवाम के लिए। किसको क्या लगे किसको क्या न लगे, मगर जहां तक मेरा सवाल है और जहां तक मैं लोगों से मिलता हूं, जुलता हूं, जलसों में जाता हूं, बात होती है, सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन था वो फैसला जिससे हमारे नौजवानों की जिंदगियां बच गई और दहशतगर्दी आज वो नहीं हो रही है जो पहले हो रही। दो चीजें आपने फरमाई कुरैशी साहब। एक ये चीज तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा आना जाना बड़े बड़े ऐवानों में रहता है। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद करप्शन में 99% कमी आई है, इस चीज़ को हम बिल्कुल मानते हैं। जैसे भी इरफान साहब कह रहे थे कि सच्चाई को अगर हम सच्चाई नहीं मानेंगे तो हम इंसान नहीं हैं। करप्शन में कमी आई, एक वक्त था कि जब अफसरों के पास जाते थे तो वो बात सीधी बात नहीं करते थे, लेकिन आज वक्त ये है कि अफसर अवाम को देख के लरजते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी कमी है कि आज अफसर अवाम से मिलना ही नहीं चाहते, टोटल नहीं मिलना चाहते। अगर हम कभी बात किसी एडमिनिस्ट्रेटर को करते हैं, फोन करते हैं कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, इंजीनियर को मैंने कल से 3 फोन किए वो उठा ही नहीं रहा। हम आपसे मिलना चाहते हैं, अवामी मसाइल हैं, हम आपके सामने रखते हैं कि हमारा काम अवाम के मसाइल को उजागर करना, लेकिन दूसरों की इज्जत को उछालना नहीं बल्कि अवामी मसाइल को उछालना ही मीडिया का काम होता है। लेकिन अगर करप्शन कम हुआ, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि आजकल अफसर किसी से मिलते ही नहीं है। दूसरी चीज, आपने भी राशन की बात की कि मैं जो कोविड का मसला था इस दौरान में काफ़ी परेशानियां हुई पूरे मुल्क को, उसमें जो राशन फ्री हुआ, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे धनवान हैं मुल्क के या मुल्क से बाहर के जिन्होंने बहुत बड़ा दान दिया, काफ़ी कंट्रीब्यूशन की अपने प्राइम मिनिस्टर्स फंड में। कल ही की अगर हम बात करेंगे, एक प्यारे खान करके एक मुसलमान है, अपने एक इंसान है नागपुर के, जिन्होंने 16 करोड़ रुपए को ऑक्सीजन डोन किया। कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया मेरा पर डे जाता है कंटेनरों को सिर्फ किराया, ताकि मैं गैस पहुंचाऊं हॉस्पिटलों में, ताकि एक मिनट इरफान साहब प्लीज, ताकि जो जरूरतमंद है, जो मजबूर लोग हैं, उन्हें गैस मिले। आज अरबों रुपया आया है, जब से कोरोना आया अरबों रुपया का दान दिया लोगों ने, कंट्रीब्यूशन की लोगों ने, मदद की लोगों ने, तो राशन मुफ्त मिला वो कोई एहसान नहीं है। आप देखिए, आप भी ये हैं कि हम भी आम इसी समाज के हैं, हमारे पीरजादा साहब ये भी इसी समाज के हैं, इरफान साहब ये भी इसी समाज के हैं। जब हम आज बाजार जाते हैं, शायद आपको भी लग रहा होगा, 2000 रुपये का नोट ले जा तो वहाँ दो इंच वाले लिफाफे में भी सौदा नहीं ला सकते, इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये सारी मार जो है ये आम इंसान पे है, तो कैसे हम ये कहें कि नहीं गरीब का भला हो गया? जी, गरीब तो जमीन चाट रहा है, तो आप भला कैसे कहेंगे इसको? हमारे साथ बड़ी देर से पीरजादा साहब है। पीरजादा साहब, जो जावेद साहब ने फरमाया, जो इनका फरमाना था अभी, तो क्या आप रखते हैं इत्तेफाक? उन्होंने मुफ्त राशन दिया तो मोदी जी ने तो ठीक नहीं दिया,
उनको बताना था कितना पैसा आया बाहर से, कितना पैसा आया, जमा कितना किया, तो भी तो नहीं दिया मोदी जी ने हमको जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड को, हमारे मुल्क को भी तो नहीं दिया। ये बोल रहा है कि 3 रुपया आज राशन मिल रहा है, ये तो कांग्रेस के दौर में था 3 रुपया। क्या बोल रहे हैं ये जाय साहब, क्या बोल रहे हैं जाय साहब ने क्या किया? अगर मुझे बता, जब जाय साहब ने भाजपा के साथ उन्होंने रहता किया, पार्टी ज्वाइन की, तब से आज तक मुझे पता जाय साहब को क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, मुझे दिखाओ। अगले अगर आपने कपड़े फाड़ा है वो भाजपा के लिए फाड़ा है, तो मेरी पास सुशासन के लिए नहीं फाड़ा है, तो गरीब जनता के लिए नहीं फाड़ा है, हमारे बेरोजगारी हमारे यूथ है उनके लिए नहीं फाड़ा है। इंशाल्लाह अगर मैं कपड़े फाड़ूंगा, मैं सबसे पहले फाड़ूंगा मेरी पास सुशासन के लिए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का यूथ है उनके लिए मैं फाड़ूंगा, जो यहाँ हमारे डिलीवेजर है बहुत 15-20 साल से सफर कर रहे हैं, उनके लिए मैं कपड़े फाड़ूंगा इंशाल्लाह। मैंने सीटा उठाया, मरते दम तक मैं गरीबों की सेवा करूंगा, करते रहूंगा, गरीबों की आवाज कभी दबाने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह का। एक बार बताइए ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, इसको एक बार बताइए ना शिफी साहब। तो आपने कहा ना, तो आप तो फाड़ो ना, कभी फाड़ो ना साहब। मेरी गुजारिश सुनिए, हमारे चैनल पे इंटेलेक्चुअल्स देखते हैं पूरे वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में हमारे चैनल पे इंटेलेक्चुअल्स देखते हैं। हम वो बहस नहीं करते जो महजिब ना हो, जो जेब ना दे। हमारे चैनल पे वो लोग देखते हैं जो एजुकेशनिस्ट है, जो बड़े बड़े लोग हैं, मुहज्जिब और तहजीब वाले। तो हम हमें चाहिए कि हम मुहज्जिबाना डिबेट करें, राय और इख्तिलाफ राय वो तो होता ही है, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे हम, बिल्कुल हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। यहाँ नहीं नहीं, इनसे कोई बात नहीं है, इसको बताइए, इसको बताइए, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहता हूँ मैं, सच्चाई सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ। अगर उन्होंने किया भाजपा ने 7-8 साल में किया कुछ, उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे, मुझे दिखाओ ना कहाँ नया कश्मीर। आप देखो पहले हमारे रोडों की क्या हालत है, जहाँ मैं रहता हूँ रोडों की क्या हालत है, ये तो नया कश्मीर है, मैं तो पागल नहीं हो गया। शिफी साहब उसके लिए इसको पहले बोलो एक बार, वो बताए ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसके लिए जो रियासती हुकूमत रही है, कांग्रेस रही है, पीडीपी रही है, नेशनल, और कुरैशी साहब, और कुरैशी साहब से हम ये गिला नहीं कर सकते हैं पीरजादा साहब, हम शफी साहब कुरैशी साहब से ये गिला नहीं कर सकते हैं कि वो को उन्होंने क्या किया। अभी वो नए आए हैं, तो अभी तो उनकी कहानी शुरू है, और हम तो उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद है हमें, लेकिन कहानी शुरू है जो इन्होंने फरमाया अल्लाह तौफीक। इरफान साहब, हम शफी साहब आपसे भी गिला नहीं करेंगे, आप आवाज बन रहे हैं लोगों के, कुरैशी साहब लोगों की आवाज बन रहे हैं। हमारी गुजारिश है आपसे कि हमारे दिलों में निचली सतह से लेकर के ऊपरी सतह तक अवाम के लिए दर्द होना चाहिए, बिल्कुल वो दर्द जो हमारे आंखों को नम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम हर पार्टी की इज्जत करते हैं, हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है। अगर मैं आज बात करूंगा, जरा ध्यान से बड़े तहमुल से सुनिए, अगर आज एक सिविलियन 16-18-20 करोड़ रुपया डोनेट करके ऑक्सीजन अरेंज करता है लोगों के लिए, तो मैं ये सवाल अपने राहुल गांधी साहब से भी कर सकता हूं, ये सवाल मैं सोनिया गांधी जी से भी कर सकता हूं, ये सवाल मैं दूसरे धनवानों से भी कर सकता हूं, सबसे हो सकता है ये सवाल, ये बड़े बड़े हमारे धनवान हैं, ये सवाल हम ये सवाल उन पुजारियों से भी कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 130 बड़े मंदिर हैं, 130 मंदिरों में आप सुनिएगा जरा, पूरी दुनिया सुने कि जो मजहब होते हैं, कोई भी मजहब, अक्सर गरीब जो होता है, जो लाचार होता है, वही मजहब को सबसे ज्यादा मानता है। अगर कहीं दान देना है, चढ़ावा चढ़ाना है, न्याज देना है, वो सबसे ज्यादा गरीब तबका करता है। आज हमारे मुल्क का गरीब तबका गैस के लिए तड़प रहा है, आज हमारे मुल्क का गरीब इंसान दवाई के लिए तड़प रहा है, आज फॉरन से हमारे लोगों के लिए इमदाद आ रही है। लेकिन 130 मंदिरों में जब हमारे पास खरबों का रुपया, जो इन्हीं गरीबों ने डोनेट किया,
क्या उन्होंने 30 पैसे कहीं डोनेट किए हैं? हम अवाम की आवाज चाहते हैं, हम अवाम का दर्द चाहते हैं। हमें दोनों का एहतराम है, काजी साहब का भी एहतराम है हमें, कुरैशी साहब का भी और पीरजादा साहब का भी। हाँ हमें आप दोनों का, हमें बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आप ही हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं और अभी भी आप लीडर हैं। मैं एक बात बताऊंगा, मैं कुरैशी साहब से, क्योंकि हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो बिल्कुल कलील होता है, आधे घंटे का होता है, मैं आखिर में कुरैशी साहब से, अवाम के लिए क्या पैगाम है आपका, जो अवाम आपको देख रही है लाखों की तादाद में, आपका क्या पैगाम है उनके लिए? जावेद कुरैशी साहब, अभी जो यहाँ पे कोरोना की दूसरी लहर आई है, मैं आवाम से आपकी बदौलत अपील करना चाहता हूँ। वो हकीकतन में घर में ही रहे और सैनिटाइजर का भी और मास्क का भी इस्तेमाल करे, जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उन पे ध्यान दिया जाए, खासकर अपने पड़ोस में देखें कोई गरीब मत है, उनकी भी मदद करे। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं, हम तब जब हम हमसायों की भी हिफाजत करेंगे और अपने बच्चों की भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये तो महामारी है, ये किसी के बस में नहीं है। तो हमें खुद बिल्कुल घर पे रह के इसका मुकाबला हम कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोदी जी ने कहा हमारा डिजिटल इंडिया है, क्या वजह है डिजिटल इंडिया? आप देखो हमारे मुल्क में आज भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांगते हैं ऑक्सीजन के लिए, ये क्या नाम है उसका, वैक्सीन के लिए। कहां सोए थे भाजपा वाले? क्या आज हमारे भारत के लोग सड़कों पर मर रहे हैं? क्या वजह है, कहां थे? झूठ किसी हद तक चला, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। आप मुझे बता कि उन्होंने रोड नहीं ठीक किया, क्या करेंगे, नया कश्मीर बनाएंगे? तो लोगों के साथ दुख के सिवा कुछ नहीं दिया।